हेलो दोस्तों, मैं हूं विवेक हरदहा। आज मेरे पास जो कॉइन है ये है एडवर्ड 7th किंग एंड एम्परर। दोस्तों आप देख सकते हैं ये 1 आना है। मैंने इंटरनेट और यूट्यूब में इस कॉइन के बारे में बहुत से वीडियो देखे दोस्तों, तो मैं आपके लिए इस कॉइन की बहुत ही अच्छी जानकारी लेके आया हूँ। जी हाँ दोस्तों, ये कॉइन बहुत ही खास और बहुत रेयर दोनों है। अब मैं आपको आगे बताता हूँ कि ऐसा क्यों है। ये कॉइन है 1 आना दोस्तों। मेरे इंटरनेट सर्च के अनुसार दोस्तों, इंडिया में 1 आना बहुत कम बनाए गए हैं। आपने 1/4 आना बहुत से देखे होंगे, 1/2 आना, 1/4 आना, 1/12 आना, 1/16 आना भी आपने देखे होंगे दोस्तों, पर बहुत कम ऐसा हुआ है कि 1 आना बनाया गया हो। उन्हीं कम बनाए गए 1 आनाज में से ये आप जो कॉइन देख पा रहे हैं दोस्तों, ये भी दोनों 1 आना कॉइन है। ऐसे 3 कॉइन बनाए गए थे दोस्तों, जिनमें से एक कॉइन था एडवर्ड 7th का, दूसरा कॉइन था जॉर्ज किंग 6th का, तीसरा कॉइन था दोस्तों जॉर्ज किंग का। अगर मेरी बातों में आपको जरा सा भी शक हो दोस्तों, तो आप आज ही इंटरनेट पे इस वीडियो को देखने के बाद 1 आना सर्च करके देखिएगा, देखिएगा कितने कम रिजल्ट आते हैं। तो दोस्तों अगर ये कॉइन आपके पास है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर है। आप इंटरनेट पर इसकी पूरी जानकारी और वैल्यू दोनों पा सकते हैं दोस्तों। सॉरी दोस्तों, मेरे पास आप जो कॉइन देख पा रहे हैं ये कॉइन्स की थोड़ी हालत गड़बड़ है, पर मैं कोशिश करूंगा कि आपके लिए अच्छी हालत वाले कॉइन्स भी जरूर लेके आऊं। तो दोस्तों अब बात करते हैं इन कॉइन्स के बारे में। कुछ लोगों का कहना है कि ये कॉइन्स चांदी के बने हुए हैं, पर दोस्तों ऐसा नहीं है। ये कॉइन बने हुए हैं कॉपर निकल से। इनका वजन है 3.8 ग्राम लगभग, और इन दोनों कॉइन्स का डायमीटर भी दोस्तों 20 mm के आसपास है। यह एक आना है दोस्तों। इस तरह के 16 आने मिलाने से 1 रुपए बनता है, और 64 1/4 आना मिलाने से 1 रुपए बनता है दोस्तों। तो आप दोनों में अंतर समझ सकते हैं कि 1/4 आना क्या होता है और 1 आना क्या होता है दोस्तों। तो अगर आपके पास ये 1 आना कॉइन है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे ही कॉइन और करेंसी से जुड़े हुए वीडियोस और जानकारियां लाता रहता हूं। ओके दोस्तों, थैंक यू।